देश टाइगर रिजर्व में 21 मई शनिवार को खवासा बफर सफारी में गए पर्यटकों को अद्भुत नजारा देखने को मिला। जंगल की कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहे बाघ जंगल का राजा का सामना जंगली भेड़ियों के झुंड से हो गया। जंगली भेड़ियों ने बाघ को आगे बढ़ता देख तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। भेड़ियों के आक्रामक अंदाज को देखकर जंगल का राजा बाघ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। भेड़ियों के झुंड से डरकर बाघ ने अपने कदम पीछे खींच लिए और उसी रास्ते वापस लौट गया। सफारी पर गए पर्यटक इस दुर्लभ नजारे को देखकर रोमांचित हो गए। पर्यटकों ने मोबाइल पर इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। 30 सेकंड के इस वीडियो में झुंड में शामिल एक भेड़िया तो बाघ की ओर आगे बढ़कर चिल्लाता दिखाई दे रहा है। हालांकि बाघ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वापस लौट गया। गौरतलब यह है कि अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई कहानी द जंगल बुक के मशहूर पात्र भेड़िया बालक मोगली की जन्मस्थली सिवनी के पेश टाइगर रिजर्व को ही माना जाता है। कहानी के अनुसार जंगल में शेर खान का मुकाबला जंगल में मौजूद भेड़िया बालक से होता है, जहां अपने साथियों के साथ मिलकर भेड़िया बालक शेर खान को भगा देता है। जानकारों के मुताबिक पहली बार पेश टाइगर रिजर्व में इस तरह का नजारा देखने को मिला है, जब जंगली भेड़ियों से सामना होने पर बाघ डर कर वापस लौट गया हो। पेश राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों का कहना है कि सामान्य बात है ये, बाघ से सामना होने पर जंगल का कोई भी जानवर अपना बचाव करने का प्रयास करता है। पेश राष्ट्रीय उद्यान के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ओमवीर चौधरी ने बताया कि शनिवार सुबह सफारी के दौरान कच्ची सड़क में चलते हुए आ रहे बाघ को देखकर जंगली भेड़ियों ने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाघ वापस लौट गया। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।